1923 में आज एक दिन मशहूर अभिनेता और निर्माता निर्देशक देवानंद का जन्म हुआ था। इनका मूल नाम धर्मदेव आनंद था। देवानंद का नाम हिंदी सिने जगत में स्टाइल गुरु से मशहूर है। देवानंद को बतौर अभिनेता फिल्मों में पहला ब्रेक 1946 में प्रभात स्टूडियो की फिल्म हम एक हैं से मिला, लेकिन इस फिल्म के असफल होने से वह दर्शकों के बीच अपनी पहचान नहीं बना सके। इस फिल्म के निर्माण के दौरान प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक गुरु दत्त से हुई, जो उन दिनों फिल्मी दुनिया में कोरियोग्राफर के रूप में स्थान बनाने के लिए संघर्षरत थे। वहां दोनों की दोस्ती हुई और एक साथ सपने देखते हुए इन दोनों दोस्तों ने आपस में एक वादा किया कि अगर गुरु दत्त फिल्म निर्देशक बनेंगे तो वो देव को अभिनेता के रूप में लेंगे, और अगर देव निर्माता बनेंगे तो गुरु दत्त को निर्देशक के रूप में लेंगे। 1948 में रिलीज हुई फिल्म जिद्दी से देवानंद को पहचान मिली। 1949 में इन्होंने नव केतन बैनर नाम से खुद की फिल्म निर्माण संस्था खोली और उसके जरिए साल दर साल फिल्में बनाने में सफल हुए। नव केतन के बैनर तले 1950 में इन्होंने अपनी पहली फिल्म अफसर का निर्माण किया। 1951 में इन्होंने अपनी अगली फिल्म बाजी के निर्देशन की जिम्मेदारी गुरु दत्त को सौंप दी। गाइड, हम दोनों, बाजी, काला बाजार, असली नकली, ज्वेल थीफ और जॉनी मेरा नाम इनकी बेहतरीन फिल्में हैं। देवानंद को 2001 में पद्म भूषण, 2002 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और दो बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। 1932 में आज एक दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले पहले सिख हैं। अपनी कुशल और ईमानदार छवि की वजह से मनमोहन सिंह की सभी राजनीतिक दलों में अच्छी साख है। कांग्रेस को 2004 के चुनाव में बहुमत मिला तो मनमोहन सिंह को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की इच्छा से प्रधानमंत्री चुना गया। 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में मनमोहन सिंह को योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस पद पर इन्होंने निरंतर 5 वर्षों तक काम किया, जबकि 1990 में ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार रहे। 1991 से 1996 तक मनमोहन सिंह ने नरसिंह राव की सरकार में वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला। वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। मनमोहन सिंह को 1987 में पद्म विभूषण, 1995 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, 1956 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार समेत कई अन्य सम्मानों से नवाजा जा चुका है। 1960 में आज एक दिन पहली बार अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दो उम्मीदवारों के बीच टेलीविजन पर सीधी बहस हुई थी। जॉन एफ कैनेडी और रिचर्ड निक्सन के बीच हुई इस पहली बहस को अमेरिका में 7 करोड़ लोगों ने अपने टेलीविजन सेट पर देखा। इस कार्यक्रम के दौरान पहली और उसके बाद हुई 3 और बहसों में युवा कैनेडी रिचर्ड निक्सन पर भारी पड़े। टीवी के जरिए कैनेडी को ऐसी कामयाबी मिली कि उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति निक्सन जैसे अनुभवी नेता को हरा दिया। कैनेडी टीवी की ताकत को भांप चुके थे। वो हर मौके पर जनता को संबोधित करने के लिए टीवी का इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने दुनिया भर के नेताओं को भी टीवी के जरिए संवाद करने के गुर सिखाए। हालांकि कैनेडी का राष्ट्रपति कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं चला। जनवरी 1961 में पद संभालने वाले कैनेडी की 1963 में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज टीवी की ताकत को समझते हुए दुनिया भर के सभी नेता इसके जरिए जनता से संवाद करने में विश्वास रखते हैं। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मैक्सिको, केन्या, आयरलैंड, माल्टा, नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड में तो संसदीय चुनावों से पहले मुख्य उम्मीदवारों के बीच बाकायदा टीवी पर बहस की परंपरा शुरू हो गई। नेता टीवी के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और विदेश नीति पर अपना दृष्टिकोण जनता के सामने पेश करते हैं। जनता को इन बहसों को सुनकर बेहतर प्रतिनिधि चुनने में मदद मिलती है। 1973 में सुपरसोनिक कॉन्कॉर्ड ने गति का रिकॉर्ड तोड़ा था। सुपरसोनिक कॉन्कॉर्ड यात्री हवाई जहाज ने अटलांटिक के पार यात्रा को रिकॉर्ड समय में तय किया था। वॉशिंगटन से उड़े इस हवाई जहाज ने पेरिस तक की दूरी महज 3 घंटे 32 मिनट में पूरी कर ली थी। इस हवाई जहाज की रफ्तार 1535 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कॉन्कॉर्ड जहाज दरअसल उन दिनों उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के दौरे पर था, क्योंकि इसके निर्माता चाहते थे कि हवाई सेवाएं इनके जहाज खरीदें। 1976 से कॉन्कॉर्ड ने अपनी व्यावसायिक यात्राएं शुरू की थी। 2000 तक कॉन्कॉर्ड का सुरक्षा रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा था, लेकिन इसके बाद फ्रांस में एक हादसे में कॉन्कॉर्ड का एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें विमान में सवार सभी यात्री मारे गए। इस हादसे के बाद ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस ने धीरे धीरे अपने सभी कॉन्कॉर्ड जहाज सेवाओं से हटा लिए थे। और 1986 में ब्रिटेन हांगकांग को चीन के हवाले करने के लिए सहमत हुआ था। लंबी चली बातचीत के बाद आज ही के दिन हांगकांग में 150 वर्षों पुराने ब्रितानी शासन का अंत हुआ था। इस समझौते के तहत चीन और ब्रिटेन के बीच तय हुआ कि 1997 में चीन हांगकांग की सत्ता ब्रितानी हाथों से ले लेगा। इस प्रस्ताव में यह भी तय हुआ कि चीन जैसे साम्यवादी देश में हांगकांग पूंजीवाद के एक टापू की तरह रहेगा।
चीन में हांगकांग को स्वायत्तता रहेगी और हांगकांग एक देश में दो विधान के सिद्धांत पर काम करेगा। समझौते के अनुसार हांगकांग को अपने आंतरिक मामलों को चलाने की आज़ादी भी मिली, साथ ही अपने सामाजिक, न्यायिक और आर्थिक मामलों को अपने ढंग से चलते रहने की आज़ादी भी हांगकांग को दिया जाना तय किया गया और चीन को हांगकांग के विदेश और रक्षा मामले को अपने हिसाब से चलाने का अधिकार भी मिला।